हेलो माई डियर फ्रेंड्स लेटेस्ट डिस्कस द अनदर थियरी रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज नथिंग बट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आप पहले हेडिंग लगा लीजिएगा कि ये थियरी जो है वो डिप्रेशन ऑफ़ फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड पहले मैं आपको समझाऊंगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या और उसके बाद में आपको आपके साथ ये क्वेश्चन जो है व्हाट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यहाँ डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज लिटरेचर वाला मतलब नहीं निकालना है और इसका फॉर्मूला डिराइव करना है ये चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस स्टूडेंट्स को पूरी तरह से एलिवेशन एंड इन बॉइलिंग पॉइंट थियोरी आती है उनके लिए ये थियोरी बहुत इजी हो जाती है क्योंकि उस थियोरी और इस थियोरी में फ़र्क सिर्फ बी और एफ का है सेम फार्मूला है सब कुछ सेम है कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है वहाँ बॉइलिंग पॉइंट है तो वहाँ जो था यहाँ थोड़ा रिवर्स हो जाएगा उसको आप रिकॉल करिए पहले उसको रिवाइज कर लेना ये थियोरी देखने से पहले ताकि ये आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए ठीक है तो वही रिदम में चलेंगे लेटेस्ट डिस्कस फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड बोथ फेज ऑफ गिवन लिक्विड ये लिक्विड सोल्यूट भी हो सकता है प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है या तो सॉल्यूशन भी हो सकता है तो उसका जो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है उस टेमपरेचर को इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है धीरे धीरे मैं डेफिनेशन थोड़ी इजी करता जाऊंगा ठीक है अब यहाँ सोल्यूट मैंने लिक्विड बोला है लेकिन ये थियरी डिराइव करते वक्त हम सोल्यूट नॉन वोलेटाइल लेने वाले हैं लेकिन जब ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात आती है तो लिक्विड कोई भी हो सकता है सोल्यूट भी हो सकता है प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है सॉल्यूशन भी हो सकता है ये जनरल डेफिनेशन है सबके लिए अब बात आती है सेकंड डेफिनेशन की तो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेस ऑफ गिवन लिक्विड जिस जो लिक्विड आपने रखा है फ्रीज करने के लिए उसका सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर फेस इक्वल हो जाए ठीक है वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उस टेम्परेचर को इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वो लिक्विड के लिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो जीरो डिग्री सेल्सियस यानी कि टू सेवनटी थ्री कैलविन है तो टू सेवेंटी थ्री कैलविन पे आइस और वाटर दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं एट टू सेवन थ्री सेवन कैल्विन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ आइस क्योंकि ये लिक्विड का सॉलिड फॉर्म है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही वेपर प्रेशर ऑफ आइस एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोथ बिकम्स इक्वल अब तीसरी डेफिनेशन जो हमारी बुक में और कहीं पे नहीं मिलती है लेकिन बहुत इजी है अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल रहा हूं कि द टेम्परेचर एट विच द फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ सॉलिड कम आउट फ्रॉम दैट लिक्विड इज कॉल इट्स प्रिजिंग फट द टेम्परेचर एट विच फर्स्ट क्रिस्टल ऑफ सॉलिड कम आउट फ्रॉम दैट लिक्विड उस लिक्विड का पहला क्रिस्टल सॉलिडिफाइड हो जाए जो जिस ते, टेम्परेचर पे उसको उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे तो अब यह थियरी हम डिराइव कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो आप पहले कंसिडर करिए बाइनरी सोल्यूशन जो आपने कल भी प्रिपेयर किया था उस सॉल्यूशन में हम सोल्यूट लेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेंगे वोलेटाइल

नहीं ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं एल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कोई भी सॉल्वेंट का अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करेंगे और उसमें से कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है उसी टेम्परेचर पे शरबत ड्रिंक फ्रीज नहीं होगा क्योंकि उसमें हम शुगर डालते हैं सोल्ट डालते हैं और कुछ सिरप डालते हैं ठीक है तो फ्रीजिंग पॉइंट वो माइनस में चला जाएगा आप समर सीजन में कुल्फी डालते हो फ्रीजर में ठीक है तो ये उसमें आपको टेम्परेचर जो हो वो डिक्रीज करना होता है तो इसका मतलब क्या हो कि सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इससे सोल्यूशन का कम ही होगा जो बॉइलिंग पॉइंट से रिवर्स कंसेप्ट है तो ये जो डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में with respect to solvent in solution the decrease in freezing point of solution with respect to solvent wo hum bolenge depression in freezing point isko denote kiya jata hai delta tf aur ye delta tf jo hai wo colligative property hai jaise ki aap ek glass pani lo उस पानी में एक एक स्पून शुगर डालो दूसरे ग्लास में दो स्पून तीसरे में तीन स्पून शुगर डालो तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन शुगर का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा जीरो से नीचे ठीक है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। चलिए अब थियोरी डिराइव करने की ओर बढ़ते हैं सो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू एज वी डिस्कस्ट इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो पहले आप वन मोलल सॉल्यूशन प्रिपेयर कीजिए शुगर का ग्लूकोज का एंड यूरिया का जो हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी यही तीन लिए थे ये तीन मैं इसलिए ले रहा हूँ कि इसका आयोनाइजेशन नहीं होता आयोनाइजेशन होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जितने आयन बनेंगे उतने ही मल्टीपल में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी एन का वन मोलल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें दो आयन है तो एक्चुअली वो टू मोलल बन जाएगा इसलिए यहाँ पे हम वन मोलल शुगर वो आपको पता है वन मोल शुगर इन वन किलोग्राम वाटर वन मोलल ग्लूकोज मतलब कि वन मोल ग्लूकोज हाउ मच वन एटी ग्राम ग्लूकोज इन वन किलोग्राम वाटर वन मोल यूरिया मीन्स सिक्सटी ग्राम यूरिया वन मोल यूरिया इन वन किलोग्राम वाटर में डाल दो अब शुगर का मानो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डेल्टा टी एफ वन है ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ टू है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट तो अलग होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शुगर का डेल्टा टी एफ वन है ग्लूकोज का टी एफ टू है और ये टी एफ थ्री है तो अमेजिंग बात ये है कि ये तीनों की वैल्यू डिप्रेशन सेम आएगा और ये जो तीनों सेम आता है ऐसे आप थाउजेंड सॉल्यूशन बनाओ वन मोलल वन मोलल वन मोलल तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम आएगा इसको हम बोलेंगे कि कांस्टेंट रहता है तो वहाँ पे कांस्टेंट डिनोट किया जाता है जो कल किया था के बी आज कर रहे हैं के एफ एफ स्टैंड फॉर फ्रीजिंग पॉइंट तो के एफ को हम बोलेंगे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट तो उसकी डेफिनेशन आप के बी की देख लो तो के एफ की समझ में आ जाएगी द डिप्रेशन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वो किसी भी सॉल्यूशन के लिए सेम ही रहता है वो कंडीशन ये सॉल्यूशन वन मोलल होना चाहिए और इसका दूसरा नाम है के का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो बी का था इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इबिलोस्कोप वहां पे इंस्ट्रूमेंट था यहां पे क्रायोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जो के एफ को मेजर करता है चलिए हम ग्राफ के ऊपर आते हैं लेट्स डू ग्राफ ऑफ वेपर प्रेसर वर्सेस टेम्परेचर इन कैलविन फॉर प्योर सॉल्वेंट एज वेल एज सॉल्यूशन ठीक है तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है ये ग्राफ है टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है तो पहले हम सॉल्वेंट लेते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है वैसे वैसे जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर भी कटता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फ्रीज होना चालू करता है और जैसे जैसे हम यहाँ से फ्रीजिंग चालू करते होता है और पूरा ये जो पार्ट है वो फ्रोजन सॉल्वेंट है अभी इस पार्ट में कहीं पे भी कहीं पे भी लिक्विड पार्ट नहीं है पूरा फ्रीज हो चुका है ये फ्रोजन सॉल्वेंट है तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ उतना ही कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटता जाता है वेपर प्रेशर भी घटता जाता है और एक टाइम आता है कि वो एक टेम्परेचर पे फ्रीज होना चालू करता है ठीक है वैसे ही सॉल्यूशन ले लो ये रहा सॉल्यूशन एज टेम्परेचर डिक्रीज इस वेपर प्रेशर डिक्रीज और एक टाइम आता है कि इस टेम्परेचर पे ये वाला वो सॉल्यूशन फ्रीज होना चालू करता है राउंड जो किया है उसकी जरूरत नहीं है ठीक है ये दो लाइन देख लो कल हम लेफ्ट टू राइट जाते थे आज हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि फ्रीज करना है ना तो एक टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है वो दो टेम्परेचर में नोट कर लेता हूं ये जो है टेम्परेचर ये वाला

आज रिवर्स हो गया आ, कल डिफरेंस क्या लिया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी जीरो बी टी जीरो सोलवेंट टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आज हम क्या लेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी जीरो मैंने बोला था ना कि थोड़ा थोड़ा रिवर्स होता जाएगा माइनस टी एफ टी जीरोज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया पूरा ग्राफ तो यही मैंने नेक्स्ट पेज में नोट किया है देख लीजिए ये रहा क्या है ग्राफ में ये कंडीशन है टी जीरोन टी एफ डिफरेंस ये लिया टी जीरो एफ क्या है? टी एफ क्या है ये ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ये सॉल्यूशन है।, है जिस सॉल्वेंट में से हमने बनाया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी वो तो आपको पता ही है तो ये कल भी लिया था आज भी वही ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी अब प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालनी है तो मुझे एक कॉन्स्टेंट डालना होगा कल डाला था के बी आज डाल रहा हूँ के एफ अब आपको मोलालिटी तो ये कल भी सेम था आज भी सेम है मोलालिटी का फॉर्मूला अब मोलालिटी का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ एम की जगह पे रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा इक्वेशन नंबर फाइव कल का इक्वेशन देखो और आज का देखो तो कल और आज में कितना फर्क है कल यहाँ पे बी था यहाँ पे बी था आज यहाँ पे एफ एफ है बाकी कोई चेंज नहीं ठीक है अब के एफ का फार्मूला मुझे डिराइव करना है के एफ का फार्मूला अगर बोलू तो कल के फॉर्मूले में यहाँ बी था यहाँ बी था आज एफ एफ है ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है कल जो सिंप्लीफाई किया था वैसे ही आज सिंप्लीफाई करना है अब यूनिट कल का भी सेम था आज का भी सेम है मतलब कि जो हमने थियरी डिराइव की तो डेल्टा टी एफ का यूनिट है आइदर डिग्री सेल्सियस और कैलविन दोनों में कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि डिफरेंस डिग्री सेल्सियस और कैलविन में डिफरेंस सेम ही आएगा ये मुला मुलार मास है सोल्यूट का ग्राम पर मोल एम टू वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट टू स्टैंड फॉर सोल्यूट डब्ल्यू वन जो है वो ये ग्राम है सॉल्वेंट का ये W2 टू सोल्यूट का ग्राम है जी और थाउजेंड नीचे जी जी कैंसिल आउट ग्राम ग्राम अब ग्राम डिवाइडेड बाय थाउजेंड उसको बोलते हैं हम किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या तो केल्विन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो मोल इनवर्स तो बचता ही है बस ये रहा तो दो यूनिट बनते हैं कैल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स जो कल भी सेम था आज भी सेम है मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली थियरी में भी सेम था आज भी सेम है सब टर्म आपको समझानी है तो के एफ यानी कि मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डब्ल्यू टू वेट ऑफ सोल्यूट वो ग्राम में होगा एम टू के एफ का यूनिट तो अभी अभी मैंने डिराइव किया डेल्टा टी एफ का यहाँ आप लिख लीजिएगा आई डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में से एक होगा ठीक है और डबल्यू वन जो है वो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम ग्राम में लेते हैं ठीक है अब एक फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन अगर हम थर्मोडाइनेमिक्स कंसीडर करें तो थर्मोडाइनेमिक्स में के एफ कैसे फाइंड करते हैं तो कल का फॉर्मूला सेम है आर एम वन थाउजेंड और यहां पेफ की जगह बी पे लगाना है डेल सॉरी टी एफ और नीचे कल था ऑफ वेपोराइजेशन आज है ऑफ फ्यूजन ठीक है तो यहाँ पे मैं टर्म समझा देता हूँ आर गैस कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू दी जाती है के एफ आपको फाइंड करना है अगर आ, और कोई टर्म फाइंड करनी है तो के एफ भी दिया जाता है मतलब इसमें कितनी टर्म है आप, आप चेक करो के एफ आर एम वन टी एफ जीरो और आ, तो एक दो तीन चार पाँच टर्म है टोटल पांच में से चार नॉन होती है तभी आप फिफ्थ टर्म फाइंड कर सकते हो एम वन क्या है तो के मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ कहीं पे भी सोल्यूट के लिए कुछ नहीं है देखिए फ्यूजन एंथाल ऑफ सोलवेंट वो भी सोल्यट के लिए और टी जीरो एफ जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट ठीक है यहाँ पे ये थियरी खत्म होती है और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लिखना है कि कभी आपको पूछे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिखाओ आप तो डेल्टा टी एफ फाइन कर लोगे Kf के एफ के हिसाब से ठीक है और आपको बोले कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्वेंट का बता दिया होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ कल क्या था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी बी ऐसा था ना कल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी बी आज थोड़ा उल्टा हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्लस इसलिए था क्योंकि वो सॉल्वेंट uh, का लेस देन था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ग्रेटर देन है तो यहाँ माइनस डेल्टा टी एफ आएगा सोचिएगा सीधा समझ में आ जाएगा अब ये दोनों थियोरी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दोनों का कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड डिप्रेशन कांस्टेंट इसके रिलेटेड आप आठ प्रॉब्लम सोल्व करने जो में ये चार प्रॉब्लम्स हैं मैं अभी इसके साथ अटैच भी करूंगा मतलब कि आपको समझाऊंगा कैसे करना है इंटेक्स में दो प्रॉब्लम है टेन एंड इलेवन एक्सरसाइज में दो प्रॉब्लम है ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन ठीक है तो चलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ये थियोरी आप लिख लेना इसके साथ में इसकी PDF पी डी एफ भी आप लोगों को सेंड करूँगा ठीक है तो ठीक से समझ के जिसको भी मैं फिर से रिपीट करता हूँ जिसको भी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट थियोरी आती है उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ईजीली उसको समझ में आ जाती है ओके तो हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं